हेलो फ्रेंड्स, आई एम सचिन राणा फ्रॉम ओशन इंटरनेशनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब आप अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है ये पर्टिकुलर सिंगापुर के स्टडी प्लस ट्रेनिंग वर्क परमिट के बारे में है। ये किसके लिए बेनिफिशियल है, कौन कौन जा सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फीस है, ये सारा कुछ आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल है दूसरा ओशन सचिन राणा के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए और उस पर हम ट्रैवल वीडियो डालते रहते हैं। पूरे वर्ल्ड ट्रैवल के वीडियो का टारगेट है, आगे फ्यूचर में डालेंगे, तो उसको भी जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो सिंगापुर का वीज़ा किसके लिए बेनिफिशियल है, तो सबसे पहले जो एप्लीकेंट जिनकी एज जैसे ज़्यादा हो चुकी है, जो कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए एलिजिबल नहीं है, सपोज 35 ईयर्स तक जो है हम इसमें एप्लीकेंट ले सकते हैं, ठीक है। वैसे जो मेन एप्लीकेंट की एज होती है वो 30 के आसपास रहे तो उसको वीज़ा के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, मीन्स 30 से नीचे, जितने थोड़ी एज ज़्यादा होती जाएगी उतने थोड़ा वीज़ा के चांसेस कम होते जाते हैं। 30 से नीचे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी सक्सेस रेशो अच्छा रहता है, 99% 100% तक भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले बेनिफिट ये है कि एज ज़्यादा है तब भी आप जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10th पास हैं, 10वीं पास हैं तब भी आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई इसमें हायर एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मिनिमम 10th पास। और इसका एक और सबसे बड़ा बेनिफिट है, जैसे कोई किसी भी कंट्री से रिफ्यूज़ हुआ पड़ा है, सपोज आप रिफ्यूज़ हैं यूके से, रिफ्यूज़ हैं ऑस्ट्रेलिया से, रिफ्यूज़ हैं न्यूजीलैंड से, कनाडा, कहीं से भी रिफ्यूज़ हैं, तो आप सिंगापुर का वीज़ा फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, ठीक है। आपका रिफ्यूज़ हो चुका है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, आईएलएस नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई आईएलएस का कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। विदाउट आईएलएस सब जा सकते हैं। अब जिसने सोचा है कि मैंने अब्रॉड जाना है, वहाँ पर पढ़ाई करनी है, अपना एक लाइन बनानी है, तो वो जा सकता है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, आज तक इंडिया में क्या हुआ है, जो 12th पास निकलते हैं उनके पास कोई लाइन ही नहीं मिल पाती उनको, तो अगर एक लाइन पकड़नी है, सपोज आपने हॉस्पिटैलिटी लाइन में जाना है, कुकिंग में जाना है, ठीक है, या फिर आपने कोई बिजनेस में जाना है, तो वो लाइन आप पकड़ सकते हो। लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो होता है, जैसे अमेजोन वगैरह की बड़ी बड़ी ये कंपनीज होती हैं, DHL इस टाइप की कंपनीज होती हैं जो लॉजिस्टिक का देखती हैं, ठीक है, उनमें जाना है, तो उसके लिए आपको ये कोर्सेज करने पड़ेंगे। कोर्सेज भी एक तरह से कोई बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के नहीं हैं, 6 मंथ के हैं या 9 मंथ के हैं, 6 मंथ स्टडी, 6 मंथ वर्क, 9 मंथ स्टडी या 6 मंथ वर्क, ऐसा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि हर एप्लीकेंट जो है वो उसको कर सकता है। और इसकी जो फीस रहती है, देखो कोरोना के बाद काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, तो कुछ कॉलेजेस जो हैं वो बियर कर रहे हैं, कुछ जो है स्टूडेंट को बियर करनी पड़ती है क्वारंटाइन की फ़ीस जो होती है। तो क्वारंटाइन की फ़ीस वैसे $2,000 है सिंगापुर के लिए, बट एक तरह से कॉलेज ने पहले जो फ़ीस 6,000 होती थी या 5,500 होती थी, वो अभी 4,500 से शुरू कर दी है, ताकि 1,000 से लेके $1,200 तक जो कॉलेज एक तरह से अपनी फ़ीस कम कर रहा है, जिससे कि स्टूडेंट के लिए बेनिफिट हो गया है, उसको पूरी क्वारंटाइन की फ़ीस नहीं देनी पड़ रही है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा वीज़ा भी ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड होता है, कि आप सोचिए कि 99% ऑल द एप्लीकेंट्स का वीज़ा आ जाता है, और कोई हैवी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते, पासपोर्ट, फोटोग्राफ, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, बेसिक्स डॉक्यूमेंट्स यही हैं, इसके साथ वीज़ा जो है लग जाता है। प्रोसेस टाइम भी 10-15 दिन का वर्किंग डेज का, जब फाइल सबमिट हो जाती है तो 10-15 डेज के बीच में जो है फाइल आ जाती है, समटाइम टू 3-4 वर्किंग डेज में भी जो है वीज़ा आ जाता है। तो इसमें इसके अलावा बेनिफिट क्या है, इसके बेनिफिट ये हैं कि एक तो एप्लीकेंट को एक लाइन मिल जाती है, ठीक है, एक कैटेगरी मिल जाती है, कल को अगर वो डिप्लोमा करता है वहाँ पे, तो उसको जैसे कोई हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जाता है तो वो कल को कहीं और कंट्री में अप्लाई कर सकता है वर्क वीज़ा के लिए, या कोई जॉब के लिए इंडिया में आके जॉब कर सकता है, उसकी एक लाइन बन जाती है। सेकेंड थिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो भी एप्लीकेंट 6 महीने स्टडी करता है, जितनी भी उसकी फ़ीस होती है, $4,500 या $5,000 प्लस $2,000 क्वारंटाइन का फ़ीस, तो उसका जो फीस है लास्ट के 6 मंथ में रिकवर हो जाती है। ऑन एन एवरेज जो स्टाइपेंड मिलता है, सैलरी मिलती है लास्ट के 6 महीने में, वो मिलती है $1,000 से लेके $1,500 तक, जो ऑन एन एवरेज है। जो बिल्कुल भी बच्चा बिल्कुल भी अच्छे से स्टडी नहीं करेगा, इंटरव्यूज क्लियर नहीं कर पाएगा, उसको 800 से लेके, और जो बहुत अच्छा करता है उसको $2,200 तक भी, हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने $2,200 तक भी जो अर्न किए हैं, तो पर मंथ है ये, आप खुद सोच सकते हैं।
ठीक है, तो जितना भी स्टडी के लिए पैसा पे किया होता है ऑलमोस्ट उतना रिकवर हो जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, उससे क्या होता है, एक तो आपको इंटरनेशनल डिप्लोमा फ्री मिल जाता है, इसके अलावा आपको एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस फ्री मिल जाता है और आपकी कैटेगरी बन जाती है। तो इससे बेटर और क्या ऑप्शन तो दोस्तों चाहिए ये है आपको? सिंगापुर के इन्फॉर्मेशन। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, जो भी आपको जानकारी चाहिए होगी वो आपसे शेयर की जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय। Hey.